मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बताने वाली कांग्रेस का भोपाल दफ्तर अब पूरी तरह से भगवामय नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। भोपाल में एक अजीब नजारा देखने को मिला है। कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पहली बार भगवा रंग के झंडे लगाए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर का हिस्सा हो या फिर अंदरूनी सजावट, हर जगह भगवा रंग दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पार्टी ने इसे धर्म संवाद और मठ मंदिर स्वायत्त संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किया है। कहा जा रहा है कि प्रदेश में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला है जब कांग्रेस ऑफिस में भगवा झंडे लगाए गए हैं। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के जन प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, मठ मंदिरों के महंत और पुजारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। साहब, ये तो हमारे मंदिरों पे लगा हुआ कलर है, मंदिरों का रंग है, केसरिया है, हमारे त्याग का प्रतीक है जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं समाज के लिए। और कांग्रेस कार्यालय पे कल सारे समस्त पुजारी पधारेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में लगा है।